मेरे ख्याल से पहली यात्रा आपकी थी लंदन की। हाँ, फर्स्ट लंदन। तो जब वहाँ पर जाकर आपने सुंदर कथा से भी सबको लाभान्वित किया और साथ ही वहाँ पर दरबार भी लगाए, तो वहाँ के जो हमारे हिंदू समुदाय के अलावा जो लोग थे, उन लोगों की क्या प्रतिक्रियाएँ थीं? प्रायः वहाँ के लोग इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जी, जहाँ तक हमने अनुभव किया। लेकिन जिन्होंने भी एक्सेप्ट किया वो फिर बाहर निकले। यही हमारे सनातन की खूबसूरती है। इसमें एक तो कोई इस गली में आता नहीं है, आता है तो फिर जाता नहीं। जाता रहे इसमें है। सिर्फ दो ही रास्ते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग बंद है। बंद है, सिर्फ एक ही रास्ता है इनकमिंग का, और इसमें जो आ जाता है वो जाता नहीं। तो वहाँ के लोगों के जो भाव भाव देखे ना, बहुत शुद्धात्मक लोग जी, बहुत। या हमने ये कहते हुए हमें बहुत अफसोस है, भारतीय वेशभूषा पहनने वाले लोग, भारतीय मूल निवासी यहाँ तक वहाँ के कल्चर में डूब गए, लेकिन वो यहाँ वहाँ कथा में आने के बाद हमारे कल्चर में डूब जाते। क्या बात है, ये अद्भुतता थी। बिल्कुल, ये हमने बहुत विचित्रता देखी कि जो वास्तविक भारतीय मूल निवासी हैं उन्हें सूज पहनकर कथा सुनने का शौक चढ़ा था। एक दो को हमने डांटा था कि ये मचा क्या रखा है तुमने ठठरी के बरे। हाँ, लेकिन जो वहाँ के मूल निवासी थे, गोरे कहते हैं, वो लोग जब आते थे बड़ी श्रद्धापूर्वक, कोई कम कपड़े नहीं, पूर्ण वस्त्र में, आंखें झुकी हुई, हाथ एकदम अभिवादन स्वरूप में। महाराज जी के यारो, जो महाराज जी का जहाँ सिद्धार्थ आश्रम है, हमने बहुत अंग्रेजों को देखा दंडवत प्रणाम करते हैं, और जब आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू। एक दो बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ तक आए पीछे पीछे, अंग्रेज वो पीछे पीछे आए, बड़ी अद्भुतता है। तो हमने देखा कि इन्होंने रस चखा नहीं, अगर वो उनको चखने को बार बार मिलता रहे ना, तो ये भी तिलक लगाएंगे, ये भी गणपति बप्पा रखेंगे, ये भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो जीवन में हमें लगता है गणेश जी एक ऐसे देव हैं जो जोड़ने का काम कर सकते हैं। आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो दो गणेश जी की मूर्तियाँ रखिए, तीन गणेश जी को रखना वर्जित है जी। दो गणेश जी की मूर्तियाँ रखिए। घर में कलेश है, सफेद श्वेत गणेश भगवान का पूजन करिए, और अगर हो सके तो आप जो है जिसको हमारे यहाँ छेवला कहते हैं जी, जिसकी लकड़ी से हवन किया जाता है, उसकी जड़ के गणेश जी बनाकर बुधवार के दिन घर में स्थापित करो तो घर में कलेश शांत हो जाता है।